हाँ जी जीव समाधि माना तो यहाँ में क्या अर्थ है बाबा? जीव जीव समाधि होते हैं ना महापुरुष लोग, ओ साई बाबा राघवेंद्र स्वामी जीव समाधि होते हैं, समाधि को पूजा करते हैं ना, देव में रहते भी समाधि करके जीव समाधि ये जीव समाधि क्या होता है? जीवन का समाधि माना जमीन में बैठ जाते हैं और कुंभक चढ़ा के समाधि में अपना शरीर छोड़ देते हैं, नील में चले जाते हैं। वो नील में चला जाना ऐसे है जैसे कोई सुसुप्ति में सो जाता है, स्वप्न भी नहीं याद आता, इससे कोई मुक्ति नहीं हो जाती है आत्मा की। आत्मा जैसे कि अंधकार में चली जाती है, आत्मा की स्मृति भी ना रहे तो फायदा क्या हुआ? भारत की गवर्नमेंट ने हाथियों को नेशनल एनिमल घोषित किया, उसको बचाने का काम करना है, इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे बाबा ने तो बता दिया ना, युद्ध होता है तो युद्ध में प्यादे भी होते हैं, घुड़सवार भी होते हैं, हाथी सवार भी होते हैं और रथ सवार महावीर भी होते हैं। तो जो हाथी की तरह है भारी भारी काम करने वाले हैं युद्ध भूमि में, जैसे कि कोई किला तोड़ा जाता है तो किले के फाटक को तोड़ने के लिए घोड़ा काम में नहीं आवेगा, ऊंट काम में नहीं आवेगा, पैदल काम में नहीं आवेंगे, इसको काम में लेते हैं, हाथी को काम में लेते हैं। उसके मस्तक में चौड़ा सा फाल लगाते हैं लोहे का, जिसमें कीला टुके हुए होते हैं। दौड़ता हुआ हाथी मदमस्त होकर के आता है नशे में, और किले के वो जो भारी भारी किवाड़ होते हैं उनमें टक्कर मारता है, किवाड़ टूट जाते हैं। किला का दरवाजा ही टूट जाए तो आधी फतेह तो वही हो जाती है। तो ऐसे ऐसे हाथी रूपी महारथियों का विशेष मान होना होता है। आज भारत में उन हाथियों की सुरक्षा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन हाथियों से तो हड्डी मिलती है, हाथी दांत मिलता है तो बड़ी कमाई हो जाती है। ये वेद के हाथियों की तो हड्डियां बड़ी मजबूत हैं, हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाले हैं, परंतु इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जैसे वहां लौकिक गवर्नमेंट में सुरक्षा नहीं है, वैसे अलौकिक गवर्नमेंट में भी कोई सुरक्षा नहीं। यहां भी अभियान है, वहां भी अभियान चलाया जा रहा है।
जैसे टाइगर के लिए बचाने का विश्व में अभियान चल रहा है, टाइगर की किस्में कम होती जा रही है, संख्या भी कम होती जा रही है, ऐसे हाथियों की भी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि जंगल बहुत काटे जा चुके हैं। तो जंगलों को छोड़ करके, पहाड़ों को छोड़ करके उन्हें मैदान में आना पड़ता है, और मैदान में आने से तो नुकसान बहुत हो जाता है। ये जंगलों की सुरक्षा करना, हाथियों की सुरक्षा करना, टाइगर्स की सुरक्षा करना, ये अभियान चलाया जाता है। और जोर से बोलो, सतयुग में देवताएं सोलह कला संपूर्ण, दो कला कम हो जाती, त्रेता में आकर दो कलाएं कम हो जाती है, अहिंसा कला कम हो जाती, चंद्रमा की सोलह कलाएं होती हैं, एक महीने में धीरे धीरे बढ़ता है रोशनी चंद्रमा की, तो कहते हैं सोलह कला संपूर्ण पूर्णमासी हुई, फिर धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है, तो कहते हैं सोलह कलाएं जो है वो घटती गई धीरे धीरे। ऐसे ही आत्मा की जो रोशनी डिम होती जाती है उसका नाम है सोलह कला संपूर्ण से कलाहीनता की ओर जाना। अलग अलग कला, कोई कलाएं नहीं है कि नृत्य कला, संगीत कला, मकान बनाने की कला, ऐसी कोई बात नहीं, ये आत्मा का शक्ति का मेजरमेंट है सोलह कला संपूर्ण। हनुमान को राम लक्ष्मण सीता अंदर उसको शादी के अंदर दिखा था ना, उसका छात्र का मैंने याद रहे ना, हनुमान को सदैव राम सीता की याद रहती है, तो उनके माता पिता है ना, जैसे तो माता पिता की याद है ना, तो अच्छी बात है। सीना चीर के दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, बाकी कोई सीना चीरने की बात नहीं है, ये अंदर में याद की बात है। और आत्मा भाई का प्रश्न है कि उठते बैठते याद में रहना, काम करते वक्त याद में रहना, तो वैसे ही भोजन पकाने वक्त में याद में रहना, इसका उसका प्रभाव और अनुभव कैसा मिलेगा? जो भी काम हम करते हैं उस काम करते समय हमारी स्थिति कैसी है, उस स्थिति का कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब भोजन बनाना तो बहुत ऊंची चीज है, भोजन हमारे अपने लिए भी बनता है तो दूसरों के लिए भी बनता है, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन उसमें अपने वाइब्रेशन भरे हुए होंगे। आत्मा सबसे जास्ती अपने को प्यार करती है, स्वयं को प्यार करती है कि दूसरों को प्यार करती है? सबसे पहले अपने को, अपने से सबसे ज्यादा प्यार होता है।
तो भोजन बनाने वाला जब उसकी वृत्ति ही है अपने कल्याण के लिए, तो वो अपना भी कल्याण करता है और साथ साथ उस भोजन से दूसरों का भी कल्याण करता है। वाइब्रेशन बाबा की याद के होंगे तो बाबा की याद के वाइब्रेशन उस भोजन में भी भर जाएंगे। जो भी उसको खाएंगे उनकी वृत्ति भी अच्छी बनेगी। कोई कोई इन बातों पर विश्वास नहीं होता है तो चार छह दिन वैश्याओं के यहां जाकर के भोजन खा के देख लो, अवस्था खराब हो जाएगी। बाबा की याद से महरूम हो जाएंगे क्योंकि वैश्याओं के यहां तो व्यभिचार ही व्यभिचार चलता है। बुद्धि व्यभिचारी बनने से बाबा की याद आएगी नहीं। तो बाबा की याद में रह करके भोजन बनाने से वायुमंडल भी शुद्ध होता है। अब व्यभिचारी याद का वायुमंडल बनता है, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए एक मुरली में बोला है कि संदेशियां ध्यान में जाती थी, देखती थी कि इतने बड़े विश्व के महाराजन और रसोई घर में भोजन पकाए रहे हैं, तो ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ा ही है। जो चुल पर सो दिल पर कहा जाता है, चूल्हे पे भोजन बनाने वाला वो पहले दिल पर चढ़ता है। और नवरत्न में ज्यादा वैल्यूबल कौन है, इसलिए नवरत्न भी कहते हैं ना। देव सूर्यवंशी हैं क्योंकि देवता उनको ही कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और जो रतन है वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। जैसे हीरा सबसे जास्ती वैल्यू वाला है, उसके बाद जो और रतन है, माणिक है, मोती है, हीरा है, पन्ना है, मूंगा है, ये एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। जैसे कि धर्म नंबरवार आते हैं और नंबरवार उनकी उम्र है। इस संसार में कोई धर्म लंबे टाइम तक टिकता है और कोई धर्म थोड़े टाइम तक टिकता है। जिसमें ज्यादा शक्ति होगी वो ज्यादा समय तक टिकेगा और जिसमें कम शक्ति होगी वो कम समय तक टिकेगा। सबसे ज्यादा ताकत वाला है सत्य सनातन धर्म, जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के द्वारा स्थापन किया जाता है। ऐसे ही हर धर्म के प्रणेता हैं, नंबरवार हैं, नंबरवार आते हैं, नंबरवार धर्म स्थापन करते हैं। तो वो रतन है, वो हीरे नहीं है सब, और वो नंबरवार रतन है। उन रतनों में एक होता है नॉन वैल्यूएबल, पुखराज उसे कहते हैं। वो दूसरे रत्नों की कीमत बताने के लिए होता है, 8 के साथ ही डाला जाता है, तब 8 की कीमत गिनी जाती है, तो 9 रत्न कहे जाते हैं, नवग्रह भी कहे जाते हैं। सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, फिर नंबरवार ग्रह हैं, सदाकाल रहने वाला बृहस्पति है,
और ग्रह विनाश काल में टकरा करके खत्म हो जाते हैं। जैसे और धर्म सब टकरा करके विनाश काल में खत्म हो जाएंगे, एक सत्य सनातन धर्म ही रह जाएगा। फिर जब द्वापर शुरू होगा फिर उनकी शुरुआत होती है। नंबर वन ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इनका कनेक्शन है। जो सूर्यवंशी अष्टदेव है वो सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वजों के प्रति सभी का प्यार रहता है। पूर्वज का अर्थ है पूर्व में जन्म लेने वाला, सबसे पहले जन्म लेने वाला। हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं भगवान से आकर के पढ़ती है, फिर भी पढ़ाई में नंबर वार रह जाती है। तो जो नंबर वार अष्टदेव है उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है फिनिशिंग का। नवरत्नों में ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है, वो बहुत पावरफुल आत्माएं भी हैं अष्टदेव। क्योंकि अन्य धर्मों के बीज रूप हैं, बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है। बीज धरणी में बोया जाता है तो जड़ तैयार होती है। तो जड़ों के रूप में फाउंडेशन लगाने वाले भी हैं, उनकी अपनी अपनी धरणी भी हैं। वो जड़े भी चैतन्य है, धरणी भी चैतन्य है, बीज भी चैतन्य है। तो जैसे कि माँ बाप और बच्चा मिलकर के परिवार बनता है, ग्रह बनता है, ऐसे एक एक ग्रह बन जाता है। उन्हें ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं। जैसे इस सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है और सबको रोशनी देने वाला है, कोई से रोशनी लेने वाला नहीं है, बाकी सब ग्रह हैं। आसमान में ऐसे बहुत से सितारे होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, वो टिमटिमाने वाले सितारे नक्षत्र हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान है, बाकी ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। उनकी रोशनी स्थिरियम है, उनको ग्रह कहा जाता है। उन ग्रहों का भी कोई टुकड़ा टूटता है उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे हमारे सौर मंडल में सूर्य नक्षत्र है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। तो जैसे कि ये एक परिवार बन जाता है, ग्रह बन जाता है, घर गृहस्थ बन जाता है, ऐसे ही लिंक है। और विभूति का भी चित्र है और शिव का भी चित्र है, चित्र शरीर को कहा जाता है, चित्र शरीर को कहा जाता है, चित्र साकार को कहा जाता है, विचित्र निराकार को कहा जाता है। हाँ जी, शुक्र चित्र माने
शिव का भी चित्र है। हाँ, अगर बाबा ने बोला है कि त्रिमूर्ति का भी चित्र है तो जिसके चित्र हैं तो चरित्र करने वाला भी जरूर होगा। ब्रह्मा के रूप में स्थापना का पार्ट बजाने वाला कोई है 100%, तो जरूर कोई साकार में भी हस्ती है। ऐसे ही पालना का पार्ट बजाने वाला कोई विष्णु है, विषय विकारों से सर्वथा परे, तो जरूर कोई प्रैक्टिकल में साकार में है। चित्रधारी है, ऐसे नहीं चित्र से परे है, विचित्र है, निराकार है। आत्मा तो सबकी निराकार होती है, लेकिन कोई आत्मा साकार रूप में पार्ट बजाने वाली होती है, साकार रूप में जन्म लेने वाली होती है। जो आत्मा साकार में जन्म नहीं लेती है वो सिर्फ एक ही तुरीय आत्मा है, उसका नाम शिव है। वो शिव नाम बिंदी का ही है। मुरली में अगर कहीं बोला गया है कि शिव का चित्र भी है तो उसका अर्थ यही है कि वो शिव साकार रूप धारण करता है, उसे चित्र कहेंगे। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं के शब्द समाये हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाये हुए हैं। संस्कृत के भी शब्द समाये हुए हैं, उर्दू के भी शब्द समाये हुए हैं, फारसी के भी शब्द समाये हुए हैं, यहाँ तक कि अरबी शब्द भी समाये हुए हैं और अंग्रेजी के भी शब्द समाये हुए हैं। हिंदू एक ऐसा धर्म है दुनिया में जहां से कन्वर्शन होकर के सब धर्मों में जाते हैं, और दुनिया में दूसरे कोई ऐसे धर्म नहीं है जो कन्वर्ट होकर के सब धर्मों में जाते हो। ऐसे ही हिंदी भाषा भी है, माने हिंदी भाषा को विश्व भाषा होना चाहिए, लेकिन आज विश्व की भाषा, इंटरनेशनल भाषा सिर्फ अंग्रेजी है। नहीं तो हिंदी को विश्व की भाषा होनी चाहिए। हाँ, वैष्णवी देवी कहने हैं बाबा, जी बाबा कैसा प्रवेश करेगा? वैष्णवी देवी में शिव बाबा कैसे प्रवेश करेगा? विष्णु देवता पवित्र है या अपवित्र है? तो पवित्र में शिव बाबा प्रवेश करेगा है? शिव बाबा अपवित्र में प्रवेश करता है या पवित्र में प्रवेश करता है? पवित्र में तो प्रवेश नहीं करता। शिव बाबा आता ही है अपवित्र को पवित्र बनाने। पाकिस्तान में आते हैं तो बाजा की तरफ नैशन जन में इन कारणों से पाकिस्तान कहा जा सकता है, क्योंकि वो उमर करके क्या
की दुनिया में जो कुमार हैं पढ़े लिखे बीए एमए पीएचडी पास करते हैं, को एजुकेशन में पढ़ाई पढ़ते हैं, या जो पुरानी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी भारतवर्ष में गुरुकुल की शिक्षा, वो पढ़ाई पढ़ते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? डबली पढ़ाई पढ़ते हैं, कक्षा एक से लेकर के और एमए बीए पीएचडी तक, या डबली पढ़ाई पढ़ते हैं? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं या डबली पढ़ाई पढ़ते हैं? तो डबली पढ़ाई पढ़ के क्या बनेंगे? कुत्ता कुतिया ही बनेंगे, कुछ और बनेंगे? अरे बोलो। अरे तो ऐसे नहीं है कि जो ऊपर से कुमार दिखते हैं वो वास्तव में कुमार होते ही है। बाबा ने तो बोला कि मैं आत्मा को देखता हूँ, बल पति तन में आता हूँ, लेकिन देखता किसको? आत्मा को देखता हूँ। तो आत्मा को जब देखता हूँ तो मेंटलिटी के आधार पर बाबा ने बताया कि उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने से सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है। कैसे संकल्प चलेंगे? विकारी और गंदे से गंदे संकल्प चलेंगे, फिल्म देखने वालों के और उपन्यास पढ़ने वालों के। ये सबसे जास्ती नीचे गिराने वाली दो चीजें हैं। तो आप किस आधार पर कहेंगे कि जो प्रजापिता है, कुमार है, दुनियावी दृष्टि से देखने के लिए कुमार होता है, लेकिन क्या अंदर से भी कुमार है? कहेंगे कुमार? अगर मेंटलिटी में वही बातें चलती रहती हो तो कुमार। हाँ, एक बात तो जरूर है जो किसी विचारक ने ही बोली है कि कुमार की 9999 चिंताएं और जो गृहस्थी गिरिहस्थी भिकारी माने जाते हैं उनकी गृहस्थी की 9999 चिंताएं और कुमार की एक चिंता, ये बराबर हो जाती है। तो ज्यादा गिरा हुआ कौन है? कुमार ही तो ज्यादा गिरे हुए हुए। और हाँ, ये जरूर है, कुमार अगर उस प्रवृत्ति को, उस व्यक्ति को कंट्रोल कर लें, दुष्ट संकल्प को कंट्रोल कर लें, तो बाबा ने वाला बोला है कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, सारे विश्व में आग लगाना चाहे तो आग लगा सकते हैं, सारे विश्व का नाश करना चाहे तो नाश कर सकते हैं, और नई दुनिया बनाना चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये वरदान अधर कुमारों को नहीं मिला हुआ है, अधर कुमारियों को नहीं मिला हुआ है, कुमारियों को नहीं मिला हुआ है। तो दोनों फिर आज ही में ब्रह्मा के तन में रहते हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा के तन में आदि में आया, आपके ज्ञान से। आपने कहा, ये ज्ञान मुरली थोड़े ही कहती है कि मैं ब्रह्मा दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में पहले आता हूँ। ये तो आपको पढ़ाई पढ़ाई गई है मनुष्य गुरुओं के द्वारा, लेकिन मुरली में तो क्या बोला गया है? मुरली में तो यही बोला गया है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करके वाणी चलाते थे, मम्मा बाबा उनसे बैठ पढ़ते थे, सीखते थे। राजयोग की शिक्षा वो देने वाले थे, ड्रिल कराते थे बैठ करके योग की। एक माता जी का प्रश्न है, कोई के भी बूढ़े माता पिता शरीर छोड़ देते हैं और साल साल में
उनको पिंडदान करते हैं, अर्थात पिंडदान मनाते हैं। उस दिन भाई के घर में क्या खाना खा सकते हैं? पिंडदान मनाते हैं या श्राद्ध करते हैं माता पिता का, तो उनके घर में जाकर खाना खा सकते हैं या नहीं? और उस भाई के माता पिता और शरीर छोड़ने वाले माता पिता के परिवार वाले साड़ी अथवा कपड़े धन आदि दान देते हैं तो क्या वो ले सकते हैं? बोलो, लेने में हर्जा है या नहीं हर्जा है? खाना खा सकते हैं उनके या नहीं खा सकते हैं? जो पिंडदान देते हैं श्राद्ध करते हैं उनके घर में खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? ज्ञान में चलते हैं वो है? ज्ञान में चलते हैं भाई है? वो आपको नहीं बताते, आपको नहीं बताते हम पिंडदान कर रहे हैं श्राद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही आपको निमंत्रण देते हैं तो आप खाना नहीं खाएंगे जाके उनके घर? माताएं क्या कह रही है? बाबा ने दुकान लौकिक परिवार वालों के साथ तोड़ने वाली है? खाना खाने के लिए नहीं, अच्छा धन वगैरह ले लें उनसे, साड़ियां वाड़ियां देते हैं तो ले लें। अरे बाबा ने बोला है हमारा लेन देन किसके साथ है सारा? एक शिव बाबा के साथ, तो सारा तंटा ही खत्म हो जाता है, कट जाता है। इस ब्राह्मण की क्या स्थिति है, वो अंदर अंदर क्या पुरुषार्थ करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है हम जानते हैं क्या? पता चलता है? नहीं। इसलिए जितना हम अपने को सेफ रखें उतना ज्यादा अच्छा है। तोड़ निभाने का और सेफ रखने का बात एक से एक दुखता क्या है? तोड़ निभाने का हाँ, और सेफ रखने का सेफ सेफ बने ये बाबा से सेफ हो जाओ बोल रहे हैं ना आप, सेफ करते हाँ तोड़ निभाओ भी बोल रहे हैं। तोड़ निभाने का मतलब बातचीत करो, मिलो जुलो, ऐसे नहीं हम बात ही नहीं करेंगे, हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं। सत्युग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म होते हैं, तो एक युग का 1250 वर्ष है। सत्युग में एक व्यक्ति का 150 वर्ष आयु होती है, तो टोटल 1250 वर्ष हो गए हैं। और उसमें 50 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है सारे कल्प में, तो पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये बात लागू होती है क्या?
तो वो पार्टिकुलर व्यक्ति कौन है? ये 50 वर्ष जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो तो किसके लिए निकल रहे हैं? वैसे देखिए तो क्रिस्ट पूर्व और क्रिस्ट के बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ का आ जाता है, और क्रिस्ट का जो जीवन काल का है वो हिसाब में नहीं आता है। बिफोर क्राइस्ट माने क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले और आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट माने क्राइस्ट के शरीर छोड़ने के बाद। पहली बात तो ये है कि क्राइस्ट का असली जन्म कब हुआ ये भी पता नहीं है, सिर्फ कहते हैं। तो कहने में और प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। हर युग में जो 50 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हर युग में नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ सतयुग की बात है। और ये एवरेज एज है, फिक्स नहीं है कि हर आत्मा की 150 वर्ष ही आयु होती है, सतयुग आदि में और सतयुग अंत में नहीं। सतयुग अंत में 125 वर्ष भी आयु बहुतों की होती होगी। हो सकता है सतयुग आदि में बहुत सी आत्माएं ऐसी हों जिनकी 150 वर्ष से ज्यादा की आयु हो गई हो, आज एवरेज एज भारतवर्ष में 30 साल मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी 30 साल ही होती है, कोई की ज्यादा भी होती है कोई की कम भी होती है। तो हैस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। हाँ है इसका जन्म भी मालूम होता है। हाँ तो दोनों की राशि मिलाते हैं ना तो हाँ पता चलता है वो। हाँ तो क्या पूछ रहे? तो पता चलता है ना क्राइस्ट कब पैदा हुआ है। कोई एक टाइम पे पैसा पैदा होता है तभी राशि थोड़ी ही मिलती है। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि एक टाइम पर पैदा हो, उसी वर्ष में पैदा हो, उसी युग में पैदा हो तब ही राशि मिलेगी। जन्म का जन्म थोड़ी पता। हाँ जी प्रश्न छोटा नहीं पूछा। सब बाप को याद करते हैं पर प्राप्ति में फर्क पड़ जाता है। हर एक समझते हैं मेरी याद सतो प्रधान है। मोह से याद करना और प्यार से याद करने में फर्क क्या है? अरे मोह शरीर से होता है या आत्मा से मोह होता है, ये फर्क है। मोह काम क्रोध लोह मोह अहंकार की पैदाइश ही किससे होती है? शरीर से, देह भाव से। राजा बनने के लिए खाली आत्मा होना जरूरी है। राजा बनने के लिए हाँ आज वाली आत्मा होना जरूरी है, आदि वाली आत्मा होना जरूरी है। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर जैसा चाहिए ऐसा राजा बनने के लिए राजा वाली आत्मा चाहिए। हाँ हाँ तो राम को
विष्णु का महाराज राम वाली आत्मा को विष्णु का महाराज बना रहा है। मेरा का विष्णु का महाराज भाई नहीं वो विष्णु का महाराज के तक विष्णु का महाराज है कैसे बनता है शिव तो नहीं बनते हाँ राजा कैसे बनता राम हाँ माने राम वाली आत्मा जो है विष्णु का महाराजा कैसे बन जाती है क्या वो विष्णु का महाराजा बनती है वास्तव में अरे बेताज बादशाह है या ताज वाला बादशाह है बेताज तो प्यार की बात है स्नेह का सौदा है प्यार का सौदा है प्यार के आधार पर विश्व की बादशाही है वो बादशाही नहीं है जिसे हिटलर नेपोलियन और मुसोलिनी ने जो विश्व की बादशाही लेनी चाहिए जबरियन जबरदस्ती हमला करके हिंसा करके ऐसी कोई बादशाही नहीं ली है शिव बाबा प्यार का सागर है तो प्यार के आधार पर दिलों को जीतता है या हिंसा के आधार पर जीतता है प्यार के आधार पर जीतता है और बाबा पीछे नहीं पड़े भाई पीछे नहीं पड़े ये हाँ पूरा नहीं पड़े बाबा ऐसे भी हो सकता है क्या कि बाप को सारा तन मन धन अर्पण करें फिर भी मन पूरा अर्पण नहीं होता है क्यों जब कहा जाता है जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा और कहा जाता है जहां हमारा धन होगा जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा फिर अगर किसी ने अपना पूरा धन दे दिया और तन भी अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा तो फिर दोनों चीजें जब दे दी तो मन अर्पण हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फिर मन पूरा अर्पण क्यों नहीं हो पाता क्या सब एक जैसा तन अर्पण करते हैं कोई तो ऐसे भी हैं लिख करके दे देंगे तन तेरा अब जब कहा जाए लाओ हमको जे बीमारी हमको वे बीमारी हमको ऐसा है हमको वैसा है दुनिया भर के वो बहानेबाजी बना देंगे धन के लिए भी हमने बैंक में डाला हुआ है उसका 10 साल का ब्याज अभी पूरा नहीं होना है हमने उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी में डाला हुआ है उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है मकान बेचने के लिए डाला हुआ है 20 बातें इस तरह की बताते हैं या तो बहानेबाजी कर देते हैं या तो क्रोध से देते हैं प्यार से अर्पण नहीं करते मन कब होगा जब सतो प्रधान दान होगा तन का और धन का तब मन अर्पण पूरा होगा या तमो प्रधान और रजो प्रधान दान होगा तो अर्पण होगा दान भी देखा जाता है तन किस रूप में दान किया धन किस रूप में दान किया मजबूरी में तो नहीं कर दिया और वेदों में पुराने वेदों को ऋग्वेद कहते हैं इसका वेद हैं चार धर्म भी हैं मुख्य चार जैसे चार धर्म हैं सत्य सनातन धर्म जिसे देवता धर्म कहते हैं फिर इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन ऐसे वेद हैं चार ऋग्वेद ऋक माने सच्चाई
तो सच्चाई सदैव रहने वाली है या बीच में कभी खत्म होने वाली है? सदैव। जो सच्चाई है वो सदैव थी और सदैव है, सदैव रहेगी। इसलिए ऋग्वेद जो है वो सदा काल का प्राप्ति कराने वाला वेद है। और वेदों की इतनी महिमा नहीं है, उसी तरह सृष्टि की चार बीज रूप आत्माएं हैं, मुख्य सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो सनत है वो ज्ञान के आधार पर सबसे बड़े माने जाते हैं। जो सबसे बड़ा है वो आज में भी है तो अंत में भी है, जो बाद में आने वाले हैं वो सदा काल रहने वाले नहीं है। और बाबा कहते हैं किसी को दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, परंतु कोई कोई तो छोटी छोटी बातों से ही दुख ले लेते हैं। जिन बातों में कुछ भी दुख लेने की बात ही नहीं है तो उसका क्या किया जाए? इसको दुख देना कहेंगे क्या? उनको सच बात बताओ तो भी दुख ले देते हैं, तो इससे बोझा चढ़ेगा क्या? छोटी बात है और छोटी बात को कोई बड़ा करके ले लेता है। कोई की आदत होती है तिल को ताड़ बनाना, रुई को पहाड़ बनाना, लेकिन रुई तो है, तो तिल है, तो बीज है, तो छोटा बीज होता है, छोटे बीज से ही बड़ा झाड़ बनता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के बोलना अच्छी बात है ना? इसलिए तो बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कोई छोटी सी भी दुख देने की बात है तो उसको बोलने का ढंग ऐसा हो कि मीठे से मीठे तरीके से बोल दो, जो उसकी हंसी छूट जाए, सुनने वाले को दुख दुख न लगे। थोड़ा दुख दिया या दुख लेने वाले ने दुख भले लिया, उसने तो श्रीमत के अनुकूल नहीं किया। बाबा तो कहते हैं दुख लेना नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई दुख दे और दुख महसूस न करे। दुख लेने की आदत, दुखी होने की आदत है जन्म जन्मांतर की। तमो प्रधान आत्मा होती है, थोड़ी सी बात में ही दुखी हो जाती। तामसी आत्मा, दुख देना और दुख लेना यही उसका धंधा है। छोटी छोटी सी बात में उद्योग को प्राप्त हो जाना, दूसरों को उद्योग पैदा कर देना, ये तमो प्रधान आत्मा का धंधा है। लेकिन सतो प्रधान आत्मा का धंधा यह है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। जानते तो हैं ये आत्मा इस तरह की है, छोटी बातों को बड़ा बनाती है, तो अपनी उंगली बचाना चाहिए ना।
हमारा थोड़ा सा वाक्य, छोटा सा वाक्य भी उसको उद्वेलित कर देता है, वाइब्रेशन खराब करेगा, दूसरों की डिस्टर्बेंस करने लग पड़ेगा, तो कुछ न कुछ चैंप लगेगा तो हमको भी। और काफी जाने वाले पवित्र फैसले हैं, काफी जाने वाले पवित्र फैसले पवित्र रह सकते हैं, रहते हैं पवित्र रहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि काशी जाने वाले सब पवित्र रहते हैं, ये कोई बात नहीं है। ये सिर्फ बताया जो काशी में जाके मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। जाने मात्र से पवित्र नहीं हो जाते हैं कोई, काशी में जाकर के भी मरने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। जाने वाले पवित्र रहते हैं, काशी में जो जाते हैं वो कोई पवित्र नहीं रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि जो काशी में जाते हैं वो पवित्र रहते ही, नियम ये कोई नियम नहीं है। मरने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं तो जरूर पवित्र रहकर ही जाना पड़ेगा ना, माने जाने मात्र से ही उसी क्षण से पवित्र हो जाएंगे। अरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना, हाँ माहौल उनको अच्छा मिलेगा तो अच्छे माहौल में ये संभावना ज्यादा है कि वो अपन को जीते जी मार सके, नष्ट हुआ जल्दी बन सके। आपने जो सती से उत्तम होते हुए सती का जो कार्तिक है, सती का जो कार्तिक नियम सती प्रथा, सती प्रथा वो हिंदू धर्म में ही क्यों दिखाई देगा? हाँ हिंदू धर्म में ही क्यों दिखाई देता? दूसरे धर्म तो सब अपवित्र हैं हिंदू धर्म के मुकाबले, स्त्री को समानता क्यों नहीं दिया गया? मैंने अभी दुनिया में स्त्री को ज्यादा समानता दी जा रही है आपके हिसाब से, ये समानता नहीं है। द्वापर युग से कलयुग से द्वापर युग तो उत्तम ही है ना? हाँ द्वापर उत्तम है तो उसी समय, क्योंकि वहाँ प्योरिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता था भारतवर्ष में, अभी विदेशी सभ्यता का प्रभाव पड़ गया इसलिए उतना महत्व नहीं है स्त्रियों की पवित्रता के ऊपर। वहाँ तो स्त्री अपनी इच्छा से करती थी, जब जब कलयुग आया तो कलयुग तो तम प्रधान युग है ना, तो हर काम जबरदस्ती भी कराया जाता है, वो जबरदस्ती ही तम प्रधान का है। स्वेच्छा से कोई पवित्र रहे ये अच्छी बात है, जबरन उसको पवित्र रखा जाए ये ठीक बात नहीं है, जोर जबरदस्ती करना ये मुसलमान धर्म की बात है। कोई भी धर्म की धारणा स्वेच्छा से ही होनी चाहिए, धर्म के मामले में धारणा के मामले में जोर जबरदस्ती ये अच्छा धर्म नहीं है, अच्छी धारणा नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में अगर स्त्रियां सती प्रथा को अपनाती थी तो वो स्त्रियों के प्रति समानता का भाव नहीं था, और आज स्त्रियां सती प्रथा नहीं मानती हैं तो समानता का भाव है? नहीं, मूल बात है अपने धन को
सुरक्षित करने की। तो वो बाबा ने बताया कि जितना धन जितना प्रॉपर्टी माउंट आबू में सुरक्षित की जा सकती है उतनी दुनिया में और जगह सुरक्षा नहीं है। बैंक में डालेंगे बैंक का भी कोई ठिकाना नहीं है, विदेशी बैंक में डालेंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कंपनियों में डालेंगे कंपनियां फेल होती जा रही है वो भी कोई हिसाब नहीं, इंश्योरेंस कंपनी में डालेंगे कल भूकंप आ जाए सारी कंपनी उड़ जाती है कोई हिसाब नहीं, जमीन में गाड़ के रख देंगे भूकंप आएगा कहां का कहां चला जाएगा पता नहीं कहां चला जाएगा, चोर डकैत भी ले जाएंगे घर में रखेंगे वो भी कोई निश्चित नहीं, और उजागर रखेंगे तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूप में उठा ले जाएगी, सेल टैक्स के रूप में ले लेते हैं, बाबा के द्वारा ही करना चाह रहे मकान बनाना चाह रहे तो बाबा के द्वारा माने माने बाबा बैठ करके तुम्हारा मकान बनाए वहाँ मधुबन जो बना था सभी का स्थान जो है वो सब मिलके बड़ा हॉल है बड़ा घर, बाबा की चिंता मत करो अपनी चिंता करो अपने अपने धन की चिंता करो, बाबा को जब बनाना होगा तो बना लेंगे, और शहरों में जो बनते जा रहे हैं उसकी बाबा को चिंता है क्या, चिंता करने की बात ही नहीं, जब टाइम आता है तो बन के खड़ा हो जाता है, जिनकी समस्या ये है कि हम अपने धन को कहाँ डालें, उस समस्या का निदान बताया कि वो धन दिन दूना रात चौगना माउंट आबू में डालेंगे तो बढ़ता रहेगा, इधर उधर डालेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, धंधे दोरी में डालेंगे धंधे दोरी की कोई गारंटी नहीं, सब धंधों में नुकसान होने वाला है हो रहा है, सारे कल कारखाने बंद हो रहे हैं, सच्चाई से दुकान चलाने वाला दुकान चला ही नहीं सकता, धंधा करने वाला सच्चाई से चल ही नहीं पाता, दुनिया में झूठों का बोलबाला होता जा रहा है, बाबा के बच्चे तो भोले भाले हैं सच्चे हैं, क्या उनके पूछ नहीं पा रहे क्या पूछना चाहते हैं, इंडिविजुअल मकान बना अलग अलग बनाओ बाबा, उनका पूछने का मतलब ये है मैंने अभी जाके उधर जमीन खरीदेंगे खरीद के उधर छोड़ के आ जाएंगे तो बार बार जाके देख नहीं पाएंगे ना, इसलिए जो प्रॉपर्टी आपने खरीद के वहाँ डाल दी वो जैसे जमीन खरीद के डाल दी तो वो जमीन कोई उठा ले जाएगा क्या, आज के दुनिया में तो दूसरे लोग भी उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं एक जमीन को दो तीन लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है या दोबारा रजिस्ट्रेशन 420 का करवाया है वो कागजों से पता नहीं चलेगा, और उनका पूछने का मतलब ये है माना चार पांच लोग मिलकर माना बाबा को सौंप देंगे क्योंकि अंत में दो रोटी देने वाला तो बाबा है, हमको क्यों अलग अलग से खरीदना है, जो भी देना है बाबा का हाथ में देने से अच्छा है ना, इनका पूछने का मतलब नहीं है, बाबा तो ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी को नहीं लिख के देते कि तुम अपनी जमीन जायदाद दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे बाल बच्चों का पोषण करते रहेंगे, और ये कि सेवा के लिए देना चाहते हैं तो वो भी हमेशा के लिए नहीं लेंगे, बाबा को किसी की प्रॉपर्टी का क्या करना कि 99 साल के लिए आपको लिखवा आपसे लिखवा ले लीज एग्रीमेंट, बाबा को अगर ईश्वरी सेवा में लगाने के लिए देना है तो भी बाबा 10-11 साल से ज्यादा का नहीं लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स का नियम है कि अगर 12 साल से ज्यादा की प्रॉपर्टी लीज में ली जाती है
तो वो उसी की मानी जाएगी। इनकम टैक्स ठोक देंगे। क्यों बताया जाता है? अर्ली वैदिक पीरियड है क्या? क्या अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड रहता है? अर्ली वैदिक पीरियड नहीं है। अरे इतिहास में इसने पढ़ा होगा वैदिक काल। वैदिक काल की कोई हिस्ट्री नहीं है लोगों के पास। वो तो समझते हैं हजारों लाखों साल पहले पुराने टाइम पर लिखे गए हैं वेद। ऐसा थोड़े ही है। वेद तो लिखे गए ही है 2500 साल के अंदर। सत्युतेता का हिस्ट्री नहीं है। हाँ, सत्युतेता की कोई हिस्ट्री है ही नहीं किसी के पास। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसका प्रूफ प्रमाण मिले। हिस्ट्री लिखने वाले मनुष्यों ने अपने मत से ऐसा लिख दिया। ऐसा है थोड़े ही। भारत देश में ही दिखाई देता है ना, तो दूसरे देशों में भी दिखाई देता है। अरे सत्युग त्रेता जब चलता है तो भारत में ही स्वर्ग होता है। दूसरे देश होते नहीं। पहले भी समुद्र से ऊपर नहीं थे और अभी विनाश होगा तब भी समुद्र के अंदर समा जाएंगे। दूसरे धर्म भी नहीं थे तो दूसरे देश भी नहीं थे। धर्म खंड भी नहीं होते हैं तो धर्म भी नहीं होते हैं। भारत देश ही होता है। भारत में भी दक्षिण भारत नहीं होता है, उत्तर भारत ही रहता है। भारत का छोटा हिस्सा ही होता है। और Oh.